मेरे मॉम ने मेरे से पूछा ऐसे शादी वादी का क्या सोचा है। मुझे एक आपसे बहुत ही दुख वाली चीज बोलनी है, वेरी सैड थिंग। आई एम गोइंग टू टर्न 25 इन 2 मंथ्स गाइस। मेरी उम्र हो रही है शादी की, इट्स स्केयरिंग मी। मैं आज मतलब ऐसे बैठी थी यहाँ पर, ब्रेकफास्ट खा रही थी और मैंने रियलाइज किया कि मैं काफी बुढ़ी हो रही हूँ। 25, मैंने बोला था थोड़े टाइम पहले कि 25 के बाद लोगों को बुला सकते हैं आंटी, जब मैं 23 की थी। आई एम बिकमिंग ओल्ड। और आज ही मेरे मॉम ने मेरे से पूछा, मतलब आज नहीं थोड़ा, ऐसे शादी वादी का क्या सोचा है। और आज बेसिकली मेरा रूम रेनोवेट हो रहा है और मुझे कुछ चाहिए। शायद मेरे पेरेंट्स देख रहे हैं, हाय मॉम एंड डैड सॉरी अबाउट दिस, बट मेरे पेरेंट्स ने मतलब मुझे अपनी विंडो एक सर्टन तरह से चाहिए मेरे रूम में, और मेरे पेरेंट्स को लगता है कि थोड़ा अनसेफ हो गया, ठीक है, जो जैसा विंडो चाहिए। तो वो लोग कह वो तो मैंने बोला कि मतलब ऐसे ही चाहिए, मेरा रूम है तो मुझे ऐसे ही चाहिए, ठीक है, मुझे तो चाहिए मतलब चाहिए। तो उन्होंने बोला वैसे भी तो 1-2 साल में आप चले जाओगे। तो मैंने बोला व्हाट डू यू मीन, क्यूट कहाँ जाऊंगी मैं? तो उनका मतलब था कि मैं शादी करके जाऊंगी। बट प्रपोजल तो मेरे को ये याद रखना, जब भी मैं कोई करेगा मुझे प्रपोज मतलब थोड़े टाइम के बाद लाइफ में, आई वॉन्ट द बेस्ट प्रपोजल इन द वर्ल्ड, द बेस्ट। देखो गाइस, आंटी वर्ड मेरे स्ट्रीम से बैन था क्योंकि आप लोग बहुत आंटी आंटी कर रहे थे थोड़े महीने पहले, बट नाउ दैट आई एम अबाउट टू टर्न 25 दिस वर्ड इज नाउ अनबैन्ड। अब हक से बुला सकते हो आप लोग। गाइस सच में नहीं करना था आंटी आंटी, बट ठीक है।